IPL 2019 में आपकी फेवरेट टीम्स, प्लेयर्स और सभी मैच के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। IPL 2019 के दूसरे क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। लगातार गिर रहे विकेट के बीच उन्होंने एक छोर संभाल रखा और पारी को आगे बढ़ाते रहे। 17वें ओवर में पंत ने गियर बदलने की कोशिश की। इमरान ताहिर के ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद चौथी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ने की कोशिश की। गेंद बल्ले पर नहीं आई और मिड ऑफ की तरफ हवा में चली गई। वहां दीपक चाहर से बड़ी गलती हो गई। गेंद दीपक चाहर के पास गई, लेकिन उनका पाव पहले ही बाउंड्री लाइन को छू गया था। इसी वजह से अंपायर ने इसे छक्का दे दिया। हालांकि पंत इसका ज्यादा फायदा उठाने में असफल रहे। इस समय महेंद्र सिंह धोनी का चेहरा देखने लायक था। पारी के 19वें ओवर में उन्हें दीपक चाहर ने ही पवेलियन भेज दिया। ओवर की पहली तीन गेंदों पर पंत ने 2-2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड ऑन पर खड़े ड्वेन ब्रावो के हाथों में चली गई। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।